ये डॉक्टर प्रोफेसर चिंतामणि जी मालवीय जी जो हैं बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व उनका है और अच्छी साफ छवि के नेता माने जाते हैं। प्रदेश लेवल के नेता हैं वो और प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके सांसद प्रतिनिधि भी मैं रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा उनका कार्य करने की जो शैली है और कार्यकर्ताओं से बात करने की जो शैली काफ़ी सहज है और बहुत अच्छे नेता हैं। उनका पार्टी ने टिकट नहीं दिया है बड़ा गंभीर सोचने का विषय है, तो इसमें पार्टी को एक बार पुनः विचार करना चाहिए। माननीय अमित शाह जी से मोदी जी से मेरा निवेदन है कि एक बार पुनः विचार कर इसको सुधारा जाए। इसके लिए आपके द्वारा किस तरह से कदम उठाया जा रहा पार्टी तक ये बात जी पहुंचाने? मैं भारतीय स्वर्णकार समाज के युवा विंग का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मेरे द्वारा लेटर लिखकर मोदी जी एवं माननीय अमित शाह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको भेजा जा रहा है कि माननीय प्रोफेसर डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी जो हैं जो 3.5 लाख मतों से भी ज़्यादा से जीते हैं पिछली बार, और जो उनके सहज कार्य करने की शैली है कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा लड़ी लड़ी है उन्होंने लंबी, और मैं भी काफ़ी साथ में रहा हूँ उनके, तो मैं चाहता हूँ कि उनको एक बार पुनः विचार किया जाए। माननीय सांसद चिंतामणि मालवीय जी द्वारा करोड़ रुपए की निधि से दिव्यांग लोग हैं जो बेसहारा लोग, उनको विकल्प भी बांटे गए हैं और कई गांव में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य उन्होंने करवाए हैं, रोड बनवाए हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी कि गांव में वहां पे उपलब्ध कराई लाइट्स, और वैसे जुझारू सांसद का टिकट कटना बड़ा सोचने का गंभीर विषय है। इसका स्वर्णकार समाज पूर्णतः विरोध करता है और उनको टिकट दिया जाना चाहिए माननीय चिंतामणि मालवीय जी। मैंने ये भी देखा है कि उनका जन्मदिन कर्म दिवस के रूप में मनाते हैं, कहीं तालाब बनवाते हैं, कहीं रोड बनवाते हैं, मतलब पहली बार देखने में आया है उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में कि इस तरीके का कोई सांसद है, इस तरीके की कार्यशैली से कार्य करने वाला बड़े कर्मठ सांसद है। मैं और मैं उनके साथ में हूँ, उनको टिकट मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं से उन्हें फिट किया जाए पार्टी द्वारा।